केंद्रीय मंत्री श्री आर के सिंह ने जनता को संबोधित करते हुए पावर ग्रिड के सामाजिक कार्य की सराहना की एवं कहा कि इस विश्राम सदन के बनने में मिथिला क्षेत्र के सुदूर क्षेत्रों जैसे दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर इत्यादि से आए मरीजों के परिजनों को सुविधा मिलेगी। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने देश के मजबूत विद्युत परिपेक्ष के विषय में चर्चा की और भारत सरकार के 24 घंटे बिजली की उपलब्धता एवं गुणवत्ता बढ़ाने के प्रयासों की प्रशंसा की। लगभग 5,285 वर्ग मीटर क्षेत्र में बने इस 5 मंजिली पावर ग्रिड विश्राम सदन की क्षमता 260 बिस्तरों की है एवं इसे लगभग 16 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि डीएमसीएच में प्रतिदिन लगभग 2000 मरीज इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि इस भवन में मरीजों के परिजनों हेतु समुचित व्यवस्था एवं आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे कि उनका प्रभाव सुलभ एवं सुविधाजनक हो सके। पावर ग्रिड ने सीएसआर के तहत 3 विश्राम साधनों का निर्माण किया, जहां मरीजों के साथ आए परिजनों के ठहरने की व्यवस्था उपलब्ध है। यह विश्राम सदन एम्स नई दिल्ली, IGIMS पटना तथा KGMU लखनऊ में स्थित है एवं प्रतिदिन भारी संख्या में आ रहे मरीजों एवं उनके परिजनों के ठहरने हेतु सुविधा एवं विशेष राहत प्रदान कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में पावर ग्रिड द्वारा 4 अन्य ऐसे ही विश्राम सदनों का निर्माण रांची, बड़ोदरा, बेंगलोर और गुवाहाटी में किया गया। विश्व की विशालतम परिसर उपयोगिता में से एक पावर ग्रिड अपनी CSR पहलों के अंतर्गत ग्रामीण विकास, शिक्षा, हेल्थ केयर, कौशल विकास पर पर्यावरण, परिजनन, जल संरक्षण और स्वच्छता से संबंधित परियोजनाओं के संचालन से देश के आर्थिक व सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं। दरभंगा से अशोक ठाकुर की रिपोर्ट। हम देखे रहे हैं मोदी, हम लोग देखे जबकि अभिभावक को बाहर सोना जगह मिलता है, गरीब आदमी को जगह है, होटल जो गरीब आदमी होटल का होटल कि जो किराया हो वो कम से कम हो ताकि गरीब आदमी पर बोझ नहीं पड़े। दूसरा खाने का चार्ज हो वो खाने का चार्ज भी कम से कम हो ताकि गरीब आदमी भरपेट भोजन कर सके। ये दो काम पर ध्यान रखिएगा सीएम जी साहब, क्योंकि तभी जा करके ये गरीबों के लिए सार्थक सिद्ध होगा। अगर किराया ज्यादा हो जाएगा तो गरीब नहीं रह पाएगा, अगर खाने का चार्ज ज्यादा हो जाएगा तो गरीब जाने खाएगा। उसका कोई उपाय हम लोग सोचेंगे ताकि रहने का भी चार्ज कम रहे और खाने का भी चार्ज कम रहे, ये जिम्मेवारी आप हम पर छोड़ दीजिए, ये हम लोग सुनिश्चित करें। इसका संधारण भी हम लोग ये अच्छी तरीके से करेंगे, इसके बारे में आप लोग चिंतित न रहे, इसका संधारण भी सही ढंग से। एक ही निवेदन रहे आप लोगों से कि पान तो पहले हम भी खाते थे, छोड़ दिए पान खा तक वहाँ थोकी ये थूकना नहीं, यही आप निवेदन। हम लोग की जो कंपनियां हैं जैसे पावर ग्रिड दुनिया के सबसे बड़े ट्रांसमिशन कंपनी में से एक, सबसे बड़े ट्रांसमिशन कंपनी, और ये और हमारी जो दूसरी कंपनी है NTPC वो भी दुनिया के सबसे बड़े पावर जनरेशन कंपनियों में से एक। और ये लोगों ने बिहार में CSR के अंतर्गत बहुत काम किया, आपके यहाँ भी बहुत काम किया, साइंस कॉलेज में तो काम हो ही रहा है 150 वर्षों में किया। इसी प्रकार का विश्राम सदन इन्होंने बनाया है ये IGIMS पटना में, जितने ये बड़े बड़े सेशन से सबके बाहर प्री फैब टॉयलेट देखे होंगे, ये इनका बनाया हुआ है। IGIMS को इन्होंने 40 एडवांस लाइट सपोर्ट एम्बुलेंस दिया, 40। इन्होंने पूरे बिहार में स्टेडियम, छठ घाट और कई कई बहुत सारे काम इन्होंने अपने CSR मद के अंदर। NTPC ने बिहार के सभी स्कूल्स में डेस्क, टॉयलेट ये सब बनाने का काम किया है। मुजफ्फरपुर में इन्होंने 100 बेडेड एक इसी प्रकार का विश्राम सदन तैयार किया। मुजफ्फरपुर में कृष्ण मेडिकल कॉलेज में भी इन्होंने विश्राम सदन बनाया। 10 मोबाइल मेडिकल हेल्थ क्लिनिक भी NTPC ने दिया। इसी प्रकार से पूरे बिहार देश में तो काम करते ही पूरे बिहार में भी मिथिला के भी लोग बड़े बहुत सारे उनमें से ऐसे थे जो कि IIT से, IIM से पढ़ाई करके उसके बाद फिर अमेरिका में इंग्लैंड में काम कर रहे हैं। ये प्रतिभा है,
ये प्रतिभा बहुत ही प्रतिभाशाली थी, इसीलिए यहाँ आकर के मुझे विशेष खुशी हुई। 12,000 मेगावाट एक कोना से दूसरे कोना भेज सकते हैं, तो अब किसी भी राज्य में बिजली का कमी हो ये नहीं संभव, क्योंकि हम बिजली को पैदा कर देते हैं, हम तो बिजली एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बांग्लादेश को भी कर रहे हैं, नेपाल को भी कर रहे हैं, भूटान को भी कर रहे हैं, म्यांमार को भी कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ बिजली की कमी नहीं, आज बिजली को राज्य तक पहुंचाने की क्षमता में भी कमी नहीं, आज जिस राज्य को जितना बिजली चाहिए उतना बिजली देने की हम क्षमता रखते हैं और देते हैं। अब बिहारी को ले लीजिए, बिहार का जितना बिजली का खपत है करीब 7,000-7,500 मेगावाट के आसपास होगा, उसमें से 6,000 मेगावाट तो हम देते हैं केंद्रीय पूल से, हमारे मतलब की जो भारत सरकार का जो जनरेटिंग स्टेशन है वो हम देते हैं, राज्य सरकार का करीब 1,000 के आसपास मेगावाट, ये तो हमारा मतलब केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार की कुछ कमी का देश का भी है, तो हम बिहार को 6,000-6,500 मेगावाट बिजली देते हैं, जितना बिजली चाहिए उतना दे, ये हमने कर दिया। जो 2,05,000 करोड़ का जो हमने योजना स्वीकृत किया सभी राज्यों से, उसके अंतर्गत हमने 2,900 कुछ नए सबस्टेशन बनवाए सभी राज्यों, 3,900 से ज्यादा कुछ 3,950 के आसपास हमने सबस्टेशन का उत्क्रमण करवाए, पते जब पहले लेते कैपेसिटी रहे वो कंटेंट गुना गुना करा दी, 7.5 लाख सर्किट किलोमीटर एलटी लाइन बीच में ली पूरे देश में, 2.5 लाख सर्किट किलोमीटर सी लाइन बीच में ली, 7.5 लाख ट्रांसफॉर्मर देंगे, पहले तो हमारा याद रहे ना याद कि साहब वो ट्रांसफॉर्मर जल जाते रहे कोनो गांव में तो 6 महीना तक नहीं बदलावत रहे, याद है ना, क्योंकि पैसा नहीं था लोगों, अब हम सबके ट्रांसफॉर्मर दें, तो ये हम लोगों ने कायाकल्प कर। सुप्रीटेंडेंट डीएमसीएच श्री हरिशंकर मिश्रा सर का बहुत स्वागत है हमारे बीच मंच पर विराजमान, डायरेक्टर प्रोजेक्ट श्री अभय चौधरी सर की हमारे बीच आज की इस विश्राम सदन के उद्घाटन करता सब मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री फूलों का गुलदस्ता सम्मान और स्वागत की भावनाएं आपके लिए माननीय सांसद महोदय, ये बात सबसे पहले हम सम्मान बढ़ाते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार जोरदार तालियां होनी चाहिए, हमारे सभी अतिथि महाने से बनी इस माला में समाहित हो रहे हैं और हम एक सामूहिक साझा रूप से आपका यहाँ पर सम्मान और आपका अभिनंदन कर रहे हैं, जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होनी चाहिए, एक अलग जगह बना कर रखती है और इसी मिथिला पेंटिंग को हम सम्मान स्वरूप भेंट कर रहे हैं माननीय मंत्री आदरणीय श्री आर के सिंह सर को, उनसे पहले चुनने की कोशिश पावर ग्रिड की, हम चाहते हैं कि हम सिर्फ एक व्यावसायिक उपकरण विश्राम सदन का निर्माण यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में होना, और आज वो कुछ दिन है वो शुभ दिन है जब इसका शुभ उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के कदमों के द्वारा हमारे श्री गोपाल जी ठाकुर माननीय सांसद दरभंगा, दरभंगा के लोकप्रिय विधायक माननीय संजय श्री के का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, खूबसूरत संरचना तमाम सुविधाओं से युक्त होगी और ये परिजनों को मरीजों के परिजनों को यकीन बहुत सुकून मिलेगा, इस उद्देश्य और इसी संकल्प के साथ ये सदन बनकर तैयार है जिसके शिला पट्ट का अनावरण कर माननीय मंत्री महोदय ये सदन ये विश्राम सदन आम जन समग्र विकास की बात करते हैं तो ऐसे भी जन प्रतिनिधियों की साझेदारी यकीनन हमारी कोशिशों को बहुत बड़ा बना देती है, सहयोग की ऐसी भी भावना के साथ कई जन प्रतिनिधि आज हमारे बीच है, हम विचारों की कड़ियों को आगे बढ़ाते हुए कॉलेज अस्पताल के मरीजों के परिजनों के लिए बहुप्रतीक्षित पावर ग्रिड विश्राम सदन का उद्घाटन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये हम लोग काम करते हैं, हम लोग का CSR का बहुत फंड देश भर में काम करते हैं, देश भर में काम करते हैं तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे सर, यहाँ पर जहाँ से हम है जहाँ से मेरा नाता है, तो देश भर में काम करते हैं तो यहाँ भी करते, यही हमारा नजरिया, कोई विशेष बात नहीं है, अहाँ सबके अपन जनप्रतिनिधि के धन्यवाद दियो जे कि हाथ गट्टा पकड़ कर कहल की एकरा कर रहा है, ये भी संजय जी ने हमको कहा कि देखिए क्रिकेट विकेट बहुत लोग लगाए हैं और जो लोग लगाए हैं उसमें बहुत बहुत मिला है, तो हम एक टीम भेजेंगे
दिल्ली से भेजबे हम की एक जांच करें कि बिहार में हर राज्य के अलग हिंदी विभाग से, लेकिन बात यह है कि सारा विकास काम के लिए पैसा हम देते हैं। मतलब पिछले 5 वर्षों में हमने करीब सभी देश के सभी राज्यों को करीब 2,05,000 करोड़ का योजना स्वीकृत और 3 लाख स्वीकृत किया और बनवा दिया। अगर बिहार के हम शायद 14,000 या 15,000 करोड़ की योजना के लिए पैसा आधा हम ही दे रहे छे, मतलब भारत सरकार दे रहा है। हम जांच करवा दियो आज जे जे गड़बड़ से तकरा हम चेंज करवा देवे, अगर बेसी चार्ज करते हैं तो ओकर हम रिफंडो करवा देवे। ये सब भारत सरकार पे नहीं किया, ये आप लोग भी किए, हम लोग उसी का पैसा देते, लेकिन निर्माण तो हम आपके माध्यम से कराते हैं और आप लोगों ने किया और हम लोगों ने मिल करके हम और जितने राज्य सरकारें हैं और उनके जो ऊर्जा विभाग है, जैसे कि यहाँ पर विजेंद्र बाबू है ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग, हम लोग मिल करके ये बता दें आपको कि पिछले 5-6 वर्षों में हम लोगों ने देश में बिजली के क्षेत्र में काया कल्प कर दिया। आज हम जितना जरूरत है उससे ज्यादा हम बिजली बनाते हैं। आज हमारा जो टोटल डिमांड है 2,15,000 मेगावाट है, आज हमारी स्थापित क्षमता है 4,00,000